हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिजली वाला में स्वागत है। और आज आप लोगों को मैं बताऊंगा जो घरों में हमारे प्रोटेक्शन के लिए मेन सर्किट ब्रेकर लगते हैं उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, उनको क्या बताते हैं, क्योंकि बहुत से इलेक्ट्रीशियन भाई हैं जो कि उनसे जब पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म आप बताइए तो उनकी फुल फॉर्म नहीं बता पाते हैं। तो मैं आज वो चीज़ बताऊँगा आपको कि किस जो सर्किट ब्रेकर है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों, ये हमारे सारे जो हमारे मेन सर्किट ब्रेकर हैं प्रोटेक्शन, तो वो सारे मेरे ये रखे हुए हैं। मैं एक एक करके आपको सारे सारे की फुल फॉर्म बताने जा रहा हूँ। इनको साइड करता हूँ, जिसकी बताऊँगा मैं उसको। सबसे पहले मेरा SPMCB जो सिंगल पोल MCB होती है उसके बारे में बताऊँगा। ये मेरी सिंगल पोल MCB है, तो इसे सिंगल पोल SPMCB को हम बोलते हैं सिंगल पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर DP, इसको डबल पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ये हमारा TPN है, तो इस TPN की फुल फॉर्म होगी ट्रिपल पोल प्लस न्यूट्रल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, क्योंकि ये MCB में है हमारा। एक आइसोलेटर में भी आता है, लेकिन ये आइसोलेटर नहीं है, ये MCB है। तो इसकी ये ट्रिपल पोल प्लस न्यूट्रल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये हमारा RCCB है। RCCB की फुल फॉर्म रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। ये हमारा RCBO है। RCBO की फुल फॉर्म रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। ये हमारा MCCB है। MCCB की फुल फॉर्म होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, तो इसकी होती है। और जो हमारी ELCB आती है, ELCB की अर्थिंग लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। तो सारे जितने भी हमारे सर्किट ब्रेकर लगते हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया हो। और वीडियो आप लोगों को यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।